क्वेश्चन नंबर 14 डीपीएन डीपीएन इज यूज टू डाइजेस्ट द पीसीआर प्रोडक्ट ड्यूरिंग द साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस. ये डीपीएन के बारे में पूछ दिया गया था. डीपीएन करता क्या है साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस के बारे में. ठीक है, कौन बताएगा डीपीएन डाइजेस्ट द इरिस्पेक्टिव ऑफ द मेथाइलेशन स्टेटस ऑफ डीएनए. क्या ये गैस सही है? ये बिल्कुल गलत है. इरिस्पेक्टिव डाइजेस्ट ओनली अनमेथाइलेटेड डीएनए, डाइजेस्ट ओनली मेथाइलेटेड डीएनए एंड डाइजेस्ट जीसी सीक्वेंसेस. जो डीपीएन होता है, ठीक है, मिथाइलेशन के ऊपर डिपेंड होता है और सिर्फ मेथाइलेटेड डीएनए को डाइजेस्ट करता है. ठीक है, मेथाइलेटेड डीएनए को डाइजेस्ट करता है. साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस की बात करते हैं. अगर आप इसको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे, क्या है साइट डायरेक्टेड है? साइट डायरेक्टेड अगर ये है तो इसका मतलब है सम स्पेसिफिक होना चाहिए. अगर ये साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस में यूज हो रहा है तो समथिंग लाइक साइट के ऊपर होना चाहिए. और वो साइट कैसा होना चाहिए? साइट होता है मेथाइलेशन. मेथाइलेशन को ही वो क्या करेगा, मेथाइलेशन के ऊपर डिपेंड करता है. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. द विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट बायोमोलिक्यूल मॉडिफिकेशन पेयर. इनमें से कौन सा है जो इनकरेक्ट है? लिपिड का पामिटोलाइसेशन एंड डीएनए प्रोटीन का मेथाइलेशन है, प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन है और बात करते हैं आरएनए का पॉलीएडेनाइलेशन है. आरएनए का सही है, इसका भी सही है, इसका भी सही है. लिपिड में पामिटोलाइसेशन जो होता है वो नहीं करते, बिल्कुल ए जो है मॉडिफिकेशन की बात नहीं हो रही है, गलत है. ऑड वन आउट का केस भी यहाँ पे बन सकता था. हालांकि आप इसको अगर आंसर की तरफ देखेंगे तो आंसर जो हो जाएगा इसका ए होगा. आंसर जो होगा वो आपका ए होगा. पामिटोलाइसेशन की बात करते हैं तो लिपिड का प्रोसेस नहीं होता. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं. 16 का आंसर क्या होगा जी? द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द पेप्टाइड हैज एन ऑर्डर्ड स्ट्रक्चरल रिपीट ऑफ अमीनो एसिड विद द डिस्टेंस ऑफ 6.5 एंगस्ट्रॉम बिटवीन द अल्टरनेट सी अल्फा एटम्स. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डाइहेड्रल एंगल एक्यूरेटली रिजाइड्स द पेप्टाइड स्ट्रक्चर. ठीक है, आज बताओ दो अमीनो एसिड सी अल्फा एटम के बारे में देखने की कोशिश करिएगा जनाब. चलिए मैं सॉल्यूशन के ऊपर मूव करता हूं, फिर यहां पे आऊंगा. सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं. सॉल्यूशन जो होगा इसका बिल्कुल सॉल्यूशन सही है, डी आंसर होना चाहिए. लेकिन कैसे जनाब डी आंसर होगा? देखिएगा, अल्फा हेलिक्स के बारे में जब सी अल्फा आता है वो 6.5 एंगस्ट्रॉम आता है क्या? हाँ जी. लेकिन बीटा सीट के बारे में अगर मैं बात करूं, सी ओ एन एच फिर सी अल्फा और सी अल्फा, इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 6.5 एंगस्ट्रॉम के आसपास आता है. याद है एक्सटेंडेड फॉर्म में, एक्सटेंडेड फॉर्म में 6.5 एंगस्ट्रॉम एंटी पैरेलल सीट होगा. फाइव साई वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है जी, बिल्कुल. ये सीड्स होंगे पैरेलल और एंटी पैरेलल, ये सीड्स के फॉर्म में जो फाई और साई की वैल्यू जो होगी ये क्या होगा, ये बीटा सीट होगा कि नहीं होगा? क्लियर है, बीटा सीट होगा. इट विल नॉट बी अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स नहीं हो सकता. ये 6.5 एंगस्ट्रॉम होता है, नहीं होता है. कितना होता है अगर याद आ रहा हो तो? दो. अगर मैं बात करूं सो कितना होता है दो, अगर सी अल्फा के बारे में बात करें तो दो पैरेलल जो बेसिस थे, दो पैरेलल अमीनो एसिड होते हैं उसमें होता है 1.5 एंगस्ट्रॉम, और दो सी अल्फा के बीच में जो होता है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है. ठीक है,
दो जो पैरेलल जो दो एडजेसेंट होते हैं उनमें इतना फर्क होता है, और जो दो सी अल्फा होते हैं अमीनो एसिड में उनके ऊपर इतना एंगस्ट्रॉम होता है, और ऑलमोस्ट डबल होता है जब हम उसको एक्सटेंड करते हैं। ये मैं आपके जनरली बताया हुआ था। तो ये फॉर्म जो होता है बीटा सीट होगा, और बीटा सीट में फाई और साई की वैल्यू एक पॉजिटिव एक निगेटिव होती है, और ये जनरली किस रेंज में होती है, ग्रेटर देन 100 होता है। कितना होता है जी, ग्रेटर देन 100 होता है। तो ये आपका सीधा सीधा एक पॉजिटिव एक निगेटिव, और दोनों ग्रेटर देन 100 होगा। तो कॉमन सेंस में एग्जैक्ट वैल्यू अगर नहीं भी पता होगा तो भी ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सिर्फ ये आंसर होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से मूव कर सकते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, दिस इज व्हाट एब्सेंस ऑफ द डिटेक्टेबल प्रोटीन एक्सप्रेशन अपॉन द ब्लंट एंडेड म्यूटेशन फ्री क्लोनिंग ऑफ एन ईकोलाई जीन विथ इट्स ओन प्रमोटर इन ईकोलाई सेल्स कैन बी ड्यू टू। ठीक है, ब्लंट एंडेड म्यूटेशन फ्री क्लोनिंग है, म्यूटेशन फ्री है, ब्लंट एंडेड है, सो डिटेक्टेबल जो प्रोटीन है वो नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? आंसर क्या होना चाहिए कोई बताएगा? Cloning occurred in the reverse orientation, cloning occurred out of the frame, codon bias, rapid degradation of the expressed protein. इसको अगर देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इसको अगर देखने की कोशिश करेंगे बी सी बी सी बी सी, अब सी की बात करते हैं, क्या ये कोडॉन बायस का केस लग रहा है? जैसे आप मुझे एक बात बताओ कि उसी का जीन है उसी के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, तो कोडॉन बायसनेस आएगा वर्षिता? इट इज, दिस इज नॉट द केस ऑफ कोडॉन बायस। ठीक है, कोडॉन बायस की बात ही नहीं हो रही है। अब बात करते हैं द एब्सेंस ऑफ डिटेक्टेबल प्रोटीन एक्सप्रेशन, इट इज डिटेक्टेबल प्रोटीन एक्सप्रेशन, यही में आंसर दिया हुआ है। जरा से इसको सोचो, इस टर्म को, एब्सेंस ऑफ डिटेक्टेबल प्रोटीन एक्सप्रेशन, तो इसका क्या आंसर होगा कि डिटेक्टेबल प्रोटीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। डिटेक्टेबल मतलब हम उस इतना नहीं हो पा रहा जितना डिटेक्ट कर पाए, तो क्या हो जा रहा होगा, डिग्रेड हो जा रहा होगा, रैपिड डिग्रेडेशन एक्सप्रेस प्रोटीन, जिसकी वजह से हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। जस्ट रीड एब्सेंस ऑफ डिटेक्टेबल प्रोटीन, समझ में आई बात? जस्ट आपको टर्म को थोड़ा सा, गेट के एग्जाम में काफी टाइम होता है, और एक स्टेटमेंट अगर कभी फंसो तो उसको दो तीन बार पढ़ो, अपने आप समझ में आ जाएगा, उसको पॉज ले लेके आराम से पढ़ोगे, आंसर आ जाएगा। आंसर सोल्यूशन जो होगा डी होगा। क्या बोला जा रहा है, एब्सेंस ऑफ डिटेक्टेबल, ठीक है, इसने बस इसी को पकड़ना था आपको, डिटेक्टेबल, ठीक है, यही आपका एक फैक्टर था, डिटेक्टेबल एक्सप्रेस प्रोटीन। ठीक है जी, अगर इसी की बात है, ये तभी नहीं हो पाएगा, तभी पॉसिबल नहीं है जब रैपिड डिग्रेडेशन हो, मैं उसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो डीके वैल्यू दिया हुआ है 2.2 9.2, देखने की कोशिश करिएगा। सी कार्बोक्सी टर्मिनल एंड टर्मिनल की बात करता हूं, अमीनो एसिड्स हैव अ डिसोसिएशन 2.2 9.2, द पीके ऑफ द साइड चेन 4.2, द लाइसिन ग्रुप ऑफ द लाइसिन 10.2, द डिफरेंस ऑफ द आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ द लाइसिन एंड ग्लूटामेट एसिड इज, ठीक है, क्या हो जाएगा? जो डिफरेंस पूछा है यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, डिफरेंस पूछा हुआ है जी, डिफरेंस पूछा हुआ है। चलिए देखते हैं क्या होना चाहिए आंसर, कौन बताएगा, कौन है वो बाहुबली? ठीक है, सी बिल्कुल सही जवाब है, जो लोग सही बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, 6.5 के आसपास आंसर आना चाहिए। आंसर जो होगा, देखिएगा, ये दिया हुआ है कि पी के वन जो दिया हुआ है 2.2 दिया हुआ है, पीके टू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ था, पीके टू दिया हुआ है 9.2। अब देखिएगा पीके आर फॉर ग्लूटामेट के लिए कितना दिया हुआ है 4.2, एंड पीके आर जो है लाइसिन के लिए कितना दिया हुआ है 10.2। ठीक है, 10.2 के बारे में दिया। चलिए अब देखिएगा कि इसमें क्या है, दो वैल्यू लेस देन 7 है, दैट इज व्हाट 2.2 प्लस 4.2, इनका एवरेज ले लो कितना आ जाएगा जनाब, इनका एवरेज ले लेंगे तो आपका आ जाएगा 6.4 डिवाइडेड बाय 3.1, ये आ गया इसका पीआई, किसका, ग्लूटामेट का।
PI ऑफ द ग्लूटामेट। लाइसिन का देखिए दो वैल्यू ग्रेटर देन 7 में जाएंगे, एक 10.2 एक 9.2, इन दोनों का एवरेज ले लीजिए जी, 10.2 प्लस 9.2 दैट इज 19.4, कितना आ जाएगा ये 19.4 को करेंगे तो ये कितना आ रहा है, हाँ जी 9.7। चलो अब डिफरेंस की बात करते हैं, डिफरेंस जो था वो क्या हो जाएगा, डिफरेंस जो हो जाएगा 9.7 माइनस 3.1, इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है, 6.6 समथिंग आ रहा है। An N-charged has an ASP in the position 23 with a molecular weight of the 6501 Dalton as determined the mass spectrometry. ठीक है, ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री से किया गया है, 23rd पोजीशन पे है स्पार्टेट, एंड द अनचार्ज म्यूटेशन ऑफ द प्रोटीन पी कंटेन्स द सिंगल अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूशन विद द एस्पैराजीन at the position 23, the molecular weight P prime as determined by the mass spectrometry. क्या होगा mass spectrometry में, aspartate and asparagine, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है चलिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 6501 सॉल्यूशन देखते हैं, 6500 ओके सॉल्यूशन देखिएगा, सॉल्यूशन देखने की कोशिश करिएगा, दैट इज व्हाट कि जब एस्पैराटेट था, एस्पैराटेट का स्ट्रक्चर क्या होता है, एस्पैराटेट का स्ट्रक्चर जहां पे डिफरेंस आता है, देखिएगा जहां पे डिफरेंस आता है जी, ट्राई करिए देखिएगा कहां पे डिफरेंस आता है, स्ट्रक्चर में COOH आता है और एस्पैराजीन में जो डिफरेंस आता है वहां पे आता है CONH2, यही आता है, यही डिफरेंस होता है, इसके आगे पूरा चेन होता है, डिफरेंस जो होता है यही डिफरेंस होता है, यही डिफरेंस होता है स्ट्रक्चर में, ये COH होता है, CONH2 होता है, इसका मॉलिकुलर वेट निकालना जरा तक, 12 32 12 प्लस 32 प्लस कितना आ जाएगा, प्लस 1 दैट इज व्हाट, 12 32 44 1 45, इसका जरा सा मॉलिकुलर वेट निकालिए, इसका जो मॉलिकुलर वेट था 6501 दिया हुआ था, इसका मॉलिकुलर वेट निकालिए आप लोग, इसका मॉलिकुलर वेट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज 12 16 14 2 दैट इज व्हाट, ये आ जाएगा 44 आ रहा है, 12 12 16 28 14 दैट इज द 42 विद 244, तो ये 45 में 6501 आ रहा था, तो 44 में कितना आ जाएगा, 6500, क्योंकि एक माइनस कर दो आ गया आंसर, इससे एक माइनस करना था जैसे इससे एक माइनस हो रहा था, क्लियर है, आराम से सॉल्व कर सकते थे, चलिए ऐसे ही करना है, ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं आराम से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ आगे मूव करता हूं, 2018 क्वेश्चन नंबर 1, 2018 क्वेश्चन नंबर 1, द टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ द एंजाइम डज नॉट काइमोट्रिप्सिन बिलोंग, क्या होगा जी आंसर, किससे बिलोंग नहीं करता, ऑक्सीडोरिडक्टेज बिल्कुल करता है, ट्रांसफरेज बिल्कुल करता है, आइसोमरेज बिल्कुल करता है, किससे बिलोंग नहीं करता, सॉरी किससे बिलोंग करता है, सॉरी ऑक्सीडोरिएक्टेज नहीं करता, ट्रांसफरेज नहीं करता, क्या काम करता है ये एक पेप्टिडेज है, जब पेप्टिडेज करता है, पेप्टिडेज का काम क्या है, पेप्टिडेज का काम है पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ना, पेप्टाइड बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस, तो क्या आंसर आना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब है, आंसर जो आना चाहिए इसका आंसर आना चाहिए बी, आंसर जो आना चाहिए बी आना चाहिए, क्यों, क्योंकि काइमोट्रिप्सिन की बात करते हैं, काइमोट्रिप्सिन जो होता है वो क्या करता है, वो पेप्टाइड हाइड्रोलिसिस करता है, पेप्टाइड बॉन्ड क्लीवेज और द हाइड्रोलिसिस, समझ में आ गई बात, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, The substrate saturation profile of an enzyme that follows the Michaelis-Menten kinetics is depicted in the figure. What is the order of the reaction in the concentration range between 0.8 to 1.4? ठीक है, 0.8 और 1.4 के बीच में पूछ रहा है, यहां पे पूछ रहा है जी, यहां पे पूछ रहा है, ठीक है, अगर आप देखोगे तो आराम से सॉल्व कर पाओगे कि क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करूं, सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो सॉल्यूशन जो होगा वो ए होगा, क्यों, क्योंकि ऐसे ग्राफ में जहां पे इस तरीके के ग्राफ पूछे जाते हैं
इस तरीके का ग्राफ, ये जो होता है ये होता है जीरो ऑर्डर, और यहाँ पे जो होता है वो होता है फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर है? तो उन्होंने यहां से पूछा है 0.8 से लेके 1.4, ठीक है। चलिए ग्रेट। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंफर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इज मोस्ट स्टेबल, बोट चेयर हाफ चेयर, सबसे बढ़िया होता है कौन सा? अगर मैं बात करूं तो सबसे बढ़िया होता है चेयर। किस पे बैठना आसान होता है, किस पे बैठना आसान होता है अगर मैं बात करूं तो चेयर पे बैठना। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, केमिस्ट्री कॉन्फर्मेशन का क्वेश्चन है। अगर याद हो तो 12th लेवल पे पढ़ते थे आप लोग इस क्वेश्चन को। आंसर जो होगा वो सी होगा। जो चेयर कॉन्फर्मेशन होता है कुछ इस तरीके से बनता है, चेयर कॉन्फर्मेशन ये जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल। बैठना आसान होता है सबसे ज्यादा, इसलिए कर सकते हो। बोट कॉन्फर्मेशन जो होता है कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। द क्वेश्चन नंबर दिस फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फिनोमेना ऑफ कोऑपरेटिविटी। कोऑपरेटिविटी मतलब एलोस्टेरिज्म। देखते ही आंसर आ जाना चाहिए, बिल्कुल देखते ही आंसर आ जाएगा, आंसर बिल्कुल होना चाहिए, दैट इज व्हाट द सी, ठीक है। कोऑपरेटिविटी का मतलब क्या है? एलोस्टेरिज्म, यही मतलब है। अगर मैं कोऑपरेटिविटी की बात करूं तो इसका मतलब होता है एलोस्टेरिज्म। एलोस्टेरिज्म का मतलब है सिग्मोइडल। कैसा कर्व हो जाएगा? सिग्मोइडल कर्व, सिग्मोइडल और एस शेप्ड, सिग्मोइडल और एस शेप्ड कर्व हो जाएगा। दैट इज अगर मैं यहां पे बात करूं तो कुछ इस तरीके का कर्व आएगा, ठीक है जी, वी वर्सेस एस का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रिंसिक फ्लोरिसेंस ऑफ प्रोटीन। इतनी बार बताया है फ्लोरिसेंस एब्जॉर्बेंस कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ वाइफ, ठीक है। ये सब काम जो फ्लोरिसेंस चमकने धमकने, ब्यूटी पार्लर कौन जाता है? ब्यूटी पार्लर जाती हैं लड़कियां, और लड़कियां कौन बनती है? वही बनती है वाइफ। आधा ज्यादातर लोग गर्ल्स होते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर आना चाहिए वो आंसर आना चाहिए डी, याद रखिएगा, सारा काम होता है यही करते हैं, ठीक है। तो आंसर में इसमें जो आंसर आएगा दैट इज द ट्रिप्टोफैन, बाकी एरोमेटिक कोई है ही नहीं, ठीक है जी, क्लियर है। इंट्रिंसिक फ्लोरिसेंस, इंट्रिंसिक फ्लोरिसेंस में यही रोल प्ले करते हैं, इंट्रिंसिक फ्लोरिसेंस। और इसमें भी कौन करता है, और इसमें भी कौन करता है सबसे ज्यादा? जो करते हैं वो वाई एंड डब्लू करता है, ठीक है। फ्लोरिस फिलाइन एलिन कम करता है, ट्रिप्टोफैन सबसे ज्यादा करता है, और टायरोसिन करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ द प्रोटीन्स अकर्स इन। ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। कहाँ होता है? लाइसोसोम्स में। कहाँ होता है? ग्लाइऑक्सीसोम में। आंसर क्या है? ऑड वन आउट का आंसर दिख रहा होगा, ऑड वन आउट का आंसर है, ठीक है। आराम से सॉल्व कर सकते थे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते तो बिल्कुल सही कर सकते थे। आंसर जो होगा गोल्गी में होगा। कहाँ होता है ग्लाइकोसाइलेशन? गोल्गी में होता है। इसमें आप ऑड वन आउट भी लगा सकते थे, ठीक है, कॉमन सेंस भी लगा सकते थे, सॉल्व कर लेते, बिल्कुल सही थी। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द माइलोमा सेल्स इज यूज्ड इन द हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी टू जनरेट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। जो होता है माइलोमा सेल्स उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में, ये मैं डिस्कस किया था मैंने। और इसमें बात करता हूं, लैक ऑफ द थायमिडीन काइनेज, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ द एचजीपीआरटी एंड ओवर एक्सप्रेशन लैक ऑफ द एचजीपीआरटी नेगेटिव होता है अगर मैं बात करूं, ठीक है। आंसर जो होगा बिल्कुल सही है, आप लोग बहुत सही जा रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। माइलोमा सेल जो होता है, माइलोमा सेल जो होता है वो एचजीपीआरटी निगेटिव होता है, यही होता है माइलोमा सेल, एचजीपीआरटी निगेटिव होता है। तभी हम क्या करते हैं, अमीनोप्टेरिन इसको किससे ग्रो करता है? ये डिनोवो सिंथेसिस से ग्रो करता है, डिनोवो सिंथेसिस से ग्रो करता है। और डिनोवो में क्या यूज होता है? दैट इज व्हाट द डी एच एफ आर, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। इसी को इनिबिट कौन करता है? अमीनोप्टेरिन। इसी को इनिबिट करता है अमीनोप्टेरिन, ये इसको इनिबिट कर देता है अमीनोप्टेरिन, इसलिए हम हैट मीडियम में इसको क्या करते हैं, डेथ करा देते हैं। क्वेश्चन
नंबर ए द मूवमेंट ऑफ द प्रोटॉन्स थ्रू द एफ नॉट एफ वन एटीपेज ड्यूरिंग द माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर, क्यों चाहिए जी, क्योंकि एटीपी बनाना होता है, एटीपी बनाना होता है जी, बिल्कुल सही। ठीक है, जो होता है पीएच पीआई ये डिक्रीज द अफिनिटी ऑफ एडीपी, ये सारी चीजें करने के बजाय वो काम क्या करता है, अगर मैं बात करूं ये आंसर्स देख देख के आप खुद बता दो क्या बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, क्या ऐसा लग रहा है क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, क्या बहुत बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं सीएसआईआर लेवल के, बहुत बेसिक्स क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, सो इसीलिए मैं कह रहा हूं ज्यादा इधर उधर भागने की बजाय कुछ बेसिक चीजों पे फोकस किया करो तो ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाओगे। ऑन प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज्यादा प्रैक्टिस करो। द नंबर ऑफ एनएडीपी प्लस मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली ऑक्सीडाइज वन मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज टू CO2 थ्रू द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ठीक है, कितना एनएडीपी चाहिए होता है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करने के लिए कंप्लीटली। आंसर जो होगा पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में, आंसर की बात करते हैं पीपीपी, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में ग्लूकोज को कंप्लीटली CO2 में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड 12 NADP प्लस। ठीक है, जिसको नहीं पता था वो याद रख लेगा, अगर कभी पूछा जाता है तो आप कर सकते हो। ठीक है,